अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। ओके जी, नेक्स्ट आज जो हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज लोकोमोशन इन कॉकरोच। इन कॉकरोच, क्लियर? ओके जी, कॉकरोच में मूवमेंट किस तरह से होती है? सो आपको पता है कॉकरोच स्विफ्ट वॉकिंग करता है, बहुत तेज़ी से इसकी क्या होती है, यहाँ पर वॉकिंग होती है। सो फर्स्ट जो इसकी मूवमेंट है, दैट इज़ बाय वॉकिंग, और समटाइम्स इट आल्सो डू फ्लाइंग। बात को आती है क्या कर लेता है, फ्लाइंग भी कर लेता है बाय यूजिंग इट्स विंग। सो इट कैन वॉक एंड इट कैन फ्लाई। तो अगर हम बात करते हैं वॉकिंग में, ऑब्वियसली वॉकिंग में कौन, हाइंड लिम्ब्स जो उसकी लेग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और जो फ्लाइंग है उसके अंदर कौन सी, जो उसके फोर लिम्ब हैं जो कि मॉडिफाई हुए होते हैं इनटू विंग्स, वो यूज़ होते हैं। सो अगर आप बात करते हो वॉकिंग की, तो जो कॉकरोच है उसके अंदर बेसिकली वन साइड, एक साइड की जो लेग्स है वो यूज़ होती हैं। जो फ्रंट है सबसे पहले वो मूव करती हैं, देन मिडल लेग्स एंड देन पोस्टीरियर एंड की जो हाइंड लिम्ब्स है, हाइंड लेग्स है, वो मूव करती हैं। सिमिलरली दूसरी साइड पर भी इसी तरह से होता है और वो क्या करता है, वॉक कर लेता है। क्लियर? सो अगर हम वॉकिंग को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, तो वॉकिंग में सबसे पहले क्या होता है, जो फोर लेग्स होती हैं, क्लियर, जो आगे वाली लेग्स हैं वो उसको क्या करते हैं, दे पुल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुल करते हैं। क्लियर? इसी तरह अगर आप बात करते हो हाइंड लेग्स की, जो पीछे वाली लेग्स होती हैं, दैट डू द सेम वर्क, वो भी उसको क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में इसको पुल करेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मिड लेग्स की, ठीक है, जो सेंटर में लेग्स बच गई, वो मिड लेग्स क्या करती हैं, दे यूजली एक्ट एज अ प्रॉप्स। जो मिड लेग है, जो मिड के अंदर है, मिड लेग्स क्या एक्ट करते हैं, यूजली दे एक्ट एज अ प्रॉप। तो सिमिलरली सेम हैपन्स एट द अदर साइड ऑफ द कॉकरोच, और इस तरह से कॉकरोच क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग की, फ्लाइंग के मैकेनिज्म की अगर आप बात करते हो, तो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, विंग्स आर इन्वॉल्व। और आपको पता है कॉकरोच में कितने पेयर्स होते हैं विंग्स के, कॉकरोच यूजली कंटेन टू पेयर ऑफ विंग्स। कॉकरोच के अंदर दो पेयर होते हैं विंग्स के, वन इज एट द इंटीरियर साइड, द अदर वन इज एट द पोस्टीरियर साइड। तो फ्लाइंग कौन करवाता है, जो पोस्टीरियर विंग्स होते हैं, जो पिछली साइड पर विंग्स का पेयर होता है पोस्टीरियर विंग्स, वो क्या करते हैं, दैट ब्रॉड द मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइंग। सो इस तरह से कॉकरोच में वॉकिंग और फ्लाइंग होती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें जो उसने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दिया है बुक में, दैट इज स्नेल। स्नेल आपको पता है यूजली क्या करता है, इसकी मूवमेंट, इसकी लोकोमोशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इट इज़ नॉट सो मच कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर सिंपली क्या होती है, क्रॉलिंग होती है। अगर आप बात करते हो लोकोमोशन इन स्नेल, तो इसके अंदर क्या होती है, क्रॉलिंग होती है। सो यू नो डेट क्रॉलिंग मीन रेंगना, तो इट इज़ अ क्वाइट स्लो मूवमेंट। नेक्स्ट लास्ट ऑर्गेनिज्म है हमारा, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आता है, दैट इज स्टार फिश। उसको देख लेते हैं हम, स्टार फिश के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। ओके, नाउ यू नो डेट स्टार फिश इज ऑल्सो एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो लोकोमोशन होती है, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाई ट्यूब फिट। ट्यूब फिट क्या है, बेसिकली अगर ये एनिमल्स की बॉडी है, तो उसके वेंट्रल सरफेस पर जो एक्सटेंशन, जो अपेंडेजेस होती हैं, दैट इज नोन एज ट्यूब फिट। उसको आप क्या बोलते हो, ट्यूब फिट बोलते हो। ओके, अब ट्यूब फिट में सबसे पहले होता क्या है, वाटर पंप किया जाता है। जब ट्यूब फिट में वाटर पंप होता है, तो ये क्या करता है, सक्शन पंप के थ्रू, सक्शन कप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है। वाटर पंप हुआ, उसके बाद देन सक्शन कप, ओके, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाता है। इट कैन बी रॉक, इट कैन बी अ स्टोन, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच हो जाता है। देन आफ्टर डेट, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, बॉडी शॉर्ट होती है,
क्लियर. सबसे पहले क्या हुआ, जो ट्यूब फीट है उसके अंदर पानी गया. जब ट्यूब फीट के अंदर पानी गया तो इसने क्या किया, सक्शन कप के थ्रू किसी भी सरफेस के साथ अटैच कर लिया. जब वो अटैच हो गया ऑर्गेनिज्म तो उसके बाद क्या हुई, बॉडी शॉर्ट हो गई. जब बॉडी शॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो बॉडी को क्या करेगा, पुल करेगा और इसी वे में, इसी डायरेक्शन में स्टारफिश मूव करती है. सो होप सो स्टूडेंट आप लोगों को इन्वर्टेब्रेट्स जितने भी थे उन तमाम की लोकोमोशन क्लियर होगी. स्टिल इफ़ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.